स्टार्ट करते हैं जनाब। कैपिटल बजटिंग टेक्निक हमारा टॉपिक है। इसको हम शॉर्ट सर आज बेसिक लेक्चर करवा रहे हैं। हाँ, बुनियाद करा स्टार्ट है अभी टॉपिक सीबीटी। इसको मैं सीबीटी कहूंगा, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से मैंने बताया है कि नोट, इसमें से एक क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी की तरह पेपर में आया है। ऑलवेज वन क्वेश्चन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद ये दूसरा चैप्टर है जिसके लिए मैंने ये तीन सितारे इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम लर्न करते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं फर्दर आगे। सबसे पहली चीज तो है कि कैपिटल क्या है। किसी भी बिजनेस में कैपिटल बेसिकली वो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में। ठीक है, वो पैसे जो लंबे अरसे के लिए कारोबार में लगाए गए हैं, सरमायाकारी की गई। इन लॉन्ग टर्म फंड्स में हमारे पास दोनों तरह की चीजें आती हैं, डेट भी आता है और इक्विटी भी आती है। ठीक है, यानी मालिक का अपना पैसा इक्विटी, डेट कहते हैं लोन लेके, कर्जा लेके कारोबार में पैसा लगाया। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है जनाब कि ये जो रिसोर्स है ना, कैपिटल रिसोर्स, इसके साथ दो मसले हैं। पहला मसला यह है कि ये कैपिटल रिसोर्स जो है ना, ये लिमिटेड है। और दूसरा मसला यह है कि ये फ्री नहीं होता, यू आर नॉट अवेलेबल फ्री। इसको मैं एग्जैक्ट करता हूँ, फोकट में नहीं मिलेगा ये, मुफ्त में कोई भी आपको पैसा नहीं देगा। लिमिटेड है ये रिसोर्स, लिमिटेड है एंड नॉट अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक हो गया। और अब इससे एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो जो ये टॉपिक है वो बनता है, वो मैं बताता हूं। ये जो मैंने बात की यहां पर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप, चाहे ओनर का पैसा है चाहे डेट का पैसा है, ओनर भी रिटर्न मांगता है। यानी वो कहता है कि भाई इसके बदले मुझे कुछ दो। बिजनेस से में जब वो पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका पर्पज ये होता है कि वो उससे कुछ प्रॉफिट कमाएगा, रिटर्न कमाएगा। रिटर्न से मुराद यहां पर प्रॉफिट है। ठीक है, और जब आप कर्जा भी लेते हैं तो वो भी इसके बदले आपसे रिटर्न मांगते हैं। जो कर्जा आपको देता है वो मुफ्त में नहीं देता, उनका रिटर्न की शक्ल प्रॉफिट में नहीं होती, वो शक्ल इंटरेस्ट में होती है। वो कहते हैं भाई कारोबार चले ना चले, हमें कुछ ना कुछ चाहिए, रिटर्न चाहिए। और इक्विटी में क्या होता है, वो कहता है कि यार पैसा लगा रहा हूं, जितना मिल जाए उतना अच्छा। अब ये जो प्रॉब्लम है कि जनाब ये लिमिटेड है और ये मुफ्त नहीं मिल रहा, इससे एक प्रॉब्लम पैदा होती है। वो प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि यहां पर अब आपको क्या करने की जरूरत है, आपको इस कैपिटल रिसोर्स के लिए बजटिंग करने की जरूरत है। व्हाट इज मेंट बाय बजटिंग यहां पर, और क्यों हम कह रहे हैं कि ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक है टॉपिक। तो बजटिंग, इस कैपिटल रिसोर्स की बजटिंग करने की क्या जरूरत है, मीनिंग के हमें बेसिकली ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्स करना है। मतलब कि हमें इन पैसों को, क्योंकि ये महदूद हैं और इनके बदले हमने लोगों को रिटर्न पे करना है, हमें इनको बेहतरीन तरीकों से इस्तेमाल करना है, इस पैसे का बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। अब इस बेस्ट पॉसिबल यूज को करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल,
लेट सपोज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, एक प्रोजेक्ट ए है, उसमें $500,000 इन्वेस्ट हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट बी है उसमें $200,000 इन्वेस्ट हो सकते हैं, एक प्रोजेक्ट सी है उसमें $300,000 इन्वेस्ट हो सकते हैं, और जो अवेलेबल कैपिटल है ना, वो अवेलेबल कैपिटल जो है वो सिर्फ $500,000 का, $500,000 का। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो अपर पॉसिबिलिटीज हैं इस करंट सिनेरियो में, वैसे तो बहुत सारी होती है, वो ये है कि या तो हम सिर्फ ये $500,000 इधर इन्वेस्ट कर दें, सॉरी ये थोड़ी सी ना मैंने गलत बना दी है, मैं दोबारा बनाता हूं, यानी उसमें पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि हम $500,000 सिर्फ इस प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट कर दें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये $500,000 इधर इन्वेस्ट करने के बजाय प्रोजेक्ट ए में, उसको $500,000 को हम प्रोजेक्ट बी और सी में इन्वेस्ट कर दें, बिकॉज कैपिटल जो अवेलेबल है वो सिर्फ $500,000 है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये लिमिटेड रिसोर्स है, पर जो प्रोजेक्ट है ना, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है ये अनलिमिटेड है, और हमने इस लिमिटेड फंड्स को बेहतरीन तरीके से, ये मैंने जो लिखा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करनी है, इनको बेहतरीन तरीके से इन्वेस्ट करना है, तो यहां पर हमें एक डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम आता है कि विच प्रोजेक्ट्स टू चूज, कि हमें किस प्रोजेक्ट को चूज करना चाहिए, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। इस प्रॉब्लम के हल के लिए हमारे पास हैं जनाब ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ये हमारा टॉपिक है, ये सारा मैंने बैकग्राउंड बताया है कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़े हैं, व्हाट इज द नीड, क्या जरूरत है हमें ये पढ़ने की। जी कोई क्वेश्चन है किसी के दिमाग में तो वो पूछे। सर ये जो $500,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए में करने की बजाय बी और सी में क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कब कर रहे हैं, हमने चूज करना है, ये देखो और लिखा है मैंने बीच में, हमारे पास डिसीजन करना है हमने विच प्रोजेक्ट टू चूज, क्या हमें सिर्फ ए में इन्वेस्ट करना चाहिए या बी और सी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिसीजन लेना है ना, क्योंकि कैपिटल फंड्स तो हैं हमारे पास पर वो इतने नहीं है कि हम हर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सके, तो हमने यहाँ पर डिसाइड करना है विच प्रोजेक्ट से। समझ आ गया? वेरी गुड अली जी, थैंक यू सर। हमारे क्वेश्चन से ये हुआ कि किसी और को अगर ये कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर होगी। मैंने ये यहाँ पर ये बोला था पर मैंने गलती की, मुझे और लिखना चाहिए था कि या हम $500,000 ले सकते हैं या इन 2 या 3 लाख में से किसी एक प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसका हल मैंने तुम्हें बताया कि ये जो हमने कहा ना विच प्रोजेक्ट टू चूज, इसके लिए हमारे पास जो हल है ना, जो आंसर है इसका, वो आंसर वही है जो मैंने लिखा, सीबीटी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स इसका आंसर है। अब सीबीटी टेक्निक्स हैं कौन कौन सी, सबसे पहली टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे, दैट इज पे बैक पीरियड। और इसको मैं प्यार से बुलाऊंगा PBP। दूसरी टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको मैं प्यार से बुलाऊंगा NPV। और तीसरी टेक्निक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको मैं प्यार से बुलाऊंगा IRR। ठीक हो गया जनाब? और इसके बाद एक चौथी भी टेक्निक है, मगर वो पेपर में नहीं आई पर मैं सिखा दूंगा क्योंकि बुक्स में है वो दोनों में, उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यानी के PI। ठीक हो गया? अब क्या है जनाब, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक टेक्निक में शुरू करूंगा। आज हम पहली करेंगे पेबैक पीरियड, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करेंगे,
गिटमैन में से, फिर मैं अगली टेक्निक कराऊंगा उसकी प्रैक्टिस करेंगे गिटमैन में से, फिर उससे अगली उसकी प्रैक्टिस, और फिर उससे अगली उसकी प्रैक्टिस, ठीक हो गया। फिर जब गिटमैन सारी कर लेंगे फिर मैं बैनॉन में से भी करवा दूंगा। क्लियर है सब लोग? कोई परेशानी यहां तक? ओके ही कर दो जालमो, चैट में ही ओके कर दिया करो। जी जी सर जी, ओके 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 जी, ओके जी, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या कहानी है जनाब? बस जज्बाती ना हो, मिल गए हैं मुझे मुनासिब ओके मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं जनाब, टॉपिक की तरफ आते हैं, पे बैक पीरियड ये क्या है और हमने इसमें क्या लर्न करना है। तो सबसे पहली टेक्निक है जनाब हमारे पास पे बैक पीरियड। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है जनाब ये पे बैक पीरियड। ये कहती है जनाब द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है? यानी सिंपल अल्फाज में कि जब हम एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे हमें कितने पीरियड लगेगा, अगर वो पीरियड मंथ्स में है तो महीने, अगर सालों में है तो इयर्स में, अगर वीक्स है तो वीक्स में, कितना टाइम पीरियड लगेगा हमें इस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिटर्न करने में, वापस हासिल करने में, कि इसके बदले हमें पैसे वापस मिल जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स। उस प्रोजेक्ट में क्या कहानी है आपको पता चली है? कहानी है, सॉरी ये मैं जरा साफ करके बनाऊं थोड़ा सा। प्रोजेक्ट एक्स, उस प्रोजेक्ट में क्या कहानी है जनाब कि आपके पास आज टाइम जीरो के ऊपर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग $10,000 टुडे, ठीक है? और होगा क्या कि आने वाले एक दो तीन चार पांच सालों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये कैश फ्लोज मिलेंगे, पहले साल में 4,000, दूसरे साल में 3,000, तीसरे साल में 2,000, ओ सॉरी ये ज्यादा हो गया, तीसरे साल में 2,000, चौथे साल में 3,500 और पांचवे साल में आपको 2,500 मिलने की उम्मीद है। अच्छा ये कैलकुलेशन में मुश्किल होगी, मैं इसको ना आसान बना देता हूँ, इसको 4,000 कर देता हूँ, इजी रखते हैं ना अभी, ठीक है? तो जैसे कि मैंने डिफाइन किया द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमने ये टारगेट है कि जनाब ये जो 10,000 है ना ये हमारी क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हमने ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट में ये 10,000 शुरू में लगाने के बाद आने वाले सालों में कितने सालों में हम ये 10,000 रिकवर कर लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें जेन में 10,000 का टारगेट रखना है। इसका मतलब है अगर मैं पे बैक पीरियड पीबीपी देखूं तो 10,000 कब पूरा होगा, पहले साल में मेरे पास 4,000 आएगा, दूसरे साल में मेरे पास 3,000 आएगा, तीसरे साल में मेरे पास 2,000 आएगा। जब मैं ये सम अप करता हूं तो 4,3,7 और 2,9,000 रिकवर होगा 3 सालों में। इसका मतलब है एक साल इसका, एक साल इसका और एक साल इसका, 3 साल तो कम से कम लगेंगे। तो फोर्थ ईयर में जब मैं आता हूं तो वहां पर मुझे 4,000 मिलने की उम्मीद है, मगर यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 10,000 पूरा करने के लिए मुझे रिमेनिंग सिर्फ कितने पैसे चाहिए, 9,000 पहले 3 सालों में रिकवर हो गए हैं,
तो चौथे साल में रिमेनिंग मुझे कितनी अमाउंट चाहिए और? जवाब दो, तुम लोगों से सवाल कर रहा हूं मैं। जी, वन थाउजेंड। जी, बिल्कुल। बस बस बस, गुस्सा नहीं करना, मैं सिर्फ देख रहा था, जाग रहे हो, सो तो नहीं रहे। यहां पर हमें 1000 चाहिए, मगर हमें मिल कितना रहा है? 4000 मिल रहा है। इसका मतलब चौथा साल पूरा नहीं लगेगा, हम उस चौथे साल का फ्रैक्शन बना लेंगे। किस तरह? जो चाहिए यानी 1000 और जो मिल रहा है कैश फ्लो 4000, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो जनाब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ये जो 1000 बाय 4000 करूंगा, ये 3.25 ईयर्स हमारा आंसर है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट एक्स में रिकवर करने के लिए या पेबैक पीरियड के हवाले से हमें 3.25 साल चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। अब इसका डिसीजन क्राइटेरिया कैसे होगा कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी, क्वेश्चन है तो पूछें। नवीद बेटा, क्या रिपीट करूं, बोले। जी थ्री जो आपने 3.25 ईयर निकल ले, ये बता दें कैसे निकल ले। यार, अल्लाह के वली, ये देख कैसे मैं तुझे बताऊं। ये देख, ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर, ये जो फ्रैक्शन है 1000/4000, ये क्या हो बनेगा? 0.25 0.25 आएगा ना। जी सर। तो ये जो 3 साल है, ये जमा करके क्या बनेगा? 3। और इस फ्रैक्शन का जो आंसर है वो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2.5। तो ये 3.25 ईयर्स बन गए। समझ आया? ओके नहीं समझ आया? ओके सर, हो गया। ओके ओके, चलो जी। अब जनाब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? जी, हमें 1000 चाहिए, 4000 1 ईयर का पर मंथ। जी, अहमद, आपका वर्किंग ठीक है बेटा, ना परेशान, बिल्कुल ठीक है। 3 मंथ्स ही है, 3 ईयर्स 3 मंथ्स, पर मंथ्स नहीं ना चाहिए, हमने फ्रैक्शन में ईयर्स ही बतानी है, ठीक है। अब डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? डिसीजन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है कि जब भी आप ये टेक्निक चूज करते हैं या इस टेक्निक को यूज करते हैं, तो उससे पहले मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन करती है, मैनेजमेंट एक कट ऑफ पीरियड डिफाइन करती है। मैनेजमेंट कट ऑफ पीरियड, ठीक है, फॉर पे बैक पीरियड, ठीक है। अब ये क्या है कि मैनेजमेंट डिफाइन करती है कि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जो हमें 4 ईयर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर करके दे दे, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड डिफाइन हो गया। तो क्राइटेरिया ये है जनाब, सिंपल सा, कि इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड, इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इज लेस देन मैनेजमेंट कट ऑफ पीरियड, तो हम क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड मोर देन या ग्रेटर देन मैनेजमेंट कट ऑफ पीरियड, तो जनाब हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। जी, कोई क्वेश्चन प्रोजेक्ट के डिसीजन क्राइटेरिया सर से? अगेन बताना एक बार तो। मैं बताता हूं जनाब, अगेन कहानी यह है कि जनाब आपने एक प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड निकाल लिया। उसके निकालने के बाद आपने फैसला करना है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। तो उसके लिए मैंने बताया कि डिसीजन क्राइटेरिया के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड होता है,
मैनेजमेंट हमें एक टाइमलाइन, एक डेडलाइन डिफाइन करती है कि जनाब वो प्रोजेक्ट लेना है जिसके अंदर ये जाओ के इस केस में हमने डिफाइन की कि 4 इयर्स है कि जिसके अंदर हमें पैसे रिकवर होने चाहिए। एक बंदा है वो पैसे लगा रहा है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि भाई इतने टाइम तक वो पैसे मेरे वापस आने चाहिए, तो मैनेजमेंट उसको जेन में रखते हुए एक कट ऑफ पीरियड डिफाइन करती है कि जनाब इतने टाइम पीरियड तक पैसा जो हम इन्वेस्ट करें प्रोजेक्ट में वो हमें वापस आ जाना चाहिए इस प्रोजेक्ट। तो मैंने उसका क्राइटेरिया पर डिफाइन किया, उसका क्राइटेरिया ये था, ये मैंने उसको ब्लू डब्बे में यहाँ पर कैद भी किया कि जनाब सिंपल सी बात है, अगर प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम है मैनेजमेंट के बताए हुए टाइम से तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। जैसे कि इस केस में मैनेजमेंट ने कहा 4 साल है, हमने कहा प्रोजेक्ट 3.25 साल में पैसा रिकवर कर देगा, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट क्या है, एक्सेप्टेबल है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है ये उससे पहले पैसे रिकवर करके दे रहा है, तो ये हमें काबिले कबूल है, इसका मतलब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर इफ प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड ज्यादा है और मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड कम है तो फिर ये प्रोजेक्ट क्या होगा, ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर इस केस में 3.25 साल आ गए, मिसाल के तौर पर 4.25 या 4.5 साल आ जाए तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट चाहती है कि पैसे जल्दी आए और प्रोजेक्ट से जो पैसे मिलेंगे वो उस टाइम पीरियड के बाद आए में आए, लेट मिलेंगे। जी प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। चलें जी, अब बुक का पहला क्वेश्चन है वो करें और फिर हम कल जो है ना इंशाल्लाह ताला इसके प्रॉपर क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग सिनेरियो वाले वो कराऊंगा। आपका टास्क यह है कि ये टेक्निक सिर्फ रिपीट करनी है, आपको उसका डिसीजन क्राइटेरिया आना चाहिए और आपको ये टेक्निक कैसे मैंने ये साल निकाले हैं, क्या साहब रख के मैंने ये साल निकाले हैं, ये आना चाहिए। अगर चैप्टर नंबर बेटा मैंने लिखा था शुरू में, मैं फिर लिख देता हूँ, 10 है सर। हाँ मैं बताया, 2-3 दफा बताया, चैप्टर नंबर है जनाब 10, बुक का पेज है 415, ठीक है, और प्रॉब्लम आपने करनी है 10-1, बल्कि अभी करूंगा मैं, तुम लोगों के सामने ही करूंगा मैं, 2 मिनट दो। आयशा बेटा अब लेट हो गया, क्लास के शुरू में बताते तो मैं आंसर टैली करा देता, मैं कल करा दूंगा सबसे पहले, ठीक है। अभी तो मैं चाह रहा हूँ कि ये अब जो मैंने शुरू किया है इसको बीच में ख़त्म करूँ मैं, ठीक हो गया। किधर गई एफएम, ये देखें जनाब बुक आ गई होगी आप लोगों के सामने, अब जिसको बुक नहीं नज़र आ रही वो बताए। ओके, क्वेश्चन प्रॉब्लम 10-1 है, मैं जूम कर दूँ, मेरा ख्याल है ये क्योंकि ना स्क्रीन साइज छोटा होगा तो वो समझ नहीं आएगा। ये जनाब वो कहता है जनाब पे बैक पीरियड के हवाले से, जॉर्डन एंटरप्राइजेस इज कंसिडरिंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $42,000, ठीक है। इसका मतलब है एक कंपनी है, वो एक जगह पे पैसा लगाने का सोच रही है, इन्वेस्टमेंट का सोच रही है और जहां पर उसको $42,000 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। एंड रिटर्न्स आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज ऑफ $7,000 पर ईयर फॉर 10 इयर्स, जब वो वहां पर पैसा लगाएंगे तो उनको आने वाले 10 सालों तक $7,000 हर साल रिटर्न के शक्ल में मिलेगा, ठीक है, ये कैश इनफ्लोज है। अब वो कहता है द फर्म हैज अ मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड ऑफ 8 इयर्स, ये जो 8 इयर्स है ये कंपनी का मैनेजमेंट का कट ऑफ पीरियड है कि कंपनी ने क्राइटेरिया दिया, मैनेजमेंट ने ये क्राइटेरिया दिया है कि मैक्सिमम 8 साल तक हम इंतजार करेंगे, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होनी चाहिए।
अब ए पार्ट में वो क्या कह रहा है, डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर दिस प्रोजेक्ट। वो कहता है कि जनाब इस प्रोजेक्ट के लिए पे बैक पीरियड निकाल के बताएं। तो आप उसी तरह जिस तरह मैंने किया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 42,000 जेन में रखें, हर साल का कैश फ्लो जमा करके देखें कितने सालों में 42,000 इकट्ठा हो जाएगा, मुझे साल बताएं कितने होंगे। जवाब बड़ा सिंपल है इसका, आसान है। बिल्कुल, 7×42 टेबल है, 7 का पहाड़ा है, 7×6 मीन्स 42,000। $7,000 मिलते रहेंगे 6 सालों के बाद, 42,000 हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा, ये हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा 6 years। ठीक है जनाब, एक्सेप्टेबल सर ये, सॉरी। हाँ, अब आगे वो क्या कहता है, बी पार्ट, शुड दी कंपनी एक्सेप्ट दी प्रोजेक्ट, वाई और वाई नॉट, अगर करेगा तो क्यों और अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है जनाब, एक्सेप्ट कर लेंगे हम बिल्कुल विद इन टाइम पीरियड सर। एग्जैक्टली, क्या बात है अली, ये पहला लेक्चर है जो तुझे समझ आया होगा मेरा। दगा दगा मियां साहब, दांतली होने रही है, हो गई है, आपकी कोई इनपुट नहीं आई? आ रही आवाज, आ रही है तो आ रही है, पर तू लेट आया ना इसलिए शायद तूने सुना ही नहीं लेक्चर। चलो कोई बात नहीं, तस्वीर नहीं ना आ रही है, सुन लिया। अच्छा, सारा कुछ सुन लिया। ओके ओके, अब इसका मतलब है जी बिल्कुल ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है क्योंकि 8 years के टाइम पीरियड से पहले हमारा कवर हो रहा है, और उसका रीजन वाई में हम ये जवाब लिखेंगे, बिकॉज प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड इज लेस देन दी एक्सेप्टेबल मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। तो जनाब ये सिंपल सा हमारा सिनेरियो था, कल हम इसका एक वो प्रॉपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, सिर्फ आपसे इतनी दरख्वास्त है कि ये टेक्निक रिवाइज करनी है आपने, और साथ में क्या नाम है जो डिसीजन क्राइटेरिया वो जेन में रखना है ताकि उसकी बेस पर हम आगे क्वेश्चन कर सकें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी टाइम, 9 बजे मिलूंगा इंशाल्लाह ताला। आज जरा वो टाइमिंग थोड़ी सी मैंने अजान के लिए एडजस्ट की थी। चलें जी, ओके जी, रमजान में क्लासें होंगी, रमजान।